अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे पास किचन से रिलेटेड तो कोई वीडियो नहीं थी, बट मैंने किचन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, मैं भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। ये देखें, ये मैंने नोवा के ग्लास ख़रीदे हैं, सेट है ये मेरे पास नोवा का। और ये अब मैंने खोल के अपने किचन में रखे हुए, और ये 550 का सेट आया है ये पूरा। मेरे ग्लासेस टूटे हुए थे सारे, काफ़ी सारे ग्लासेस हैं मेरे पास लेकिन 6 ग्लास कोई भी नहीं थे, तो मैंने 2 सेट ग्लासेस के लिए हैं। ये नोवा के ग्लासेस बहुत अच्छे होते हैं तो ये मैंने इस शेप में लिए हैं। और एक ग्लास जो है ये मैंने, ये 650 का है या गालिबन ये 550 का है, और ये जो मैं ओपन करने लगी हूँ ये 650 का है। ये देखें ये ग्लास, ये बहुत खूबसूरत ग्लास है, इसकी पर्पल टेल है। ये देखें वाइन ग्लास, ये 650 के हैं शायद, आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत खूबसूरत ग्लास हैं ये। ये भी 6 का सेट है और ये 650 का है, और ये भी 6 का सेट है और ये 550 का है इन ग्लासेस का, ठीक है। ये डेकोवेयर का सेट है। और ये मैंने डिश ली थी, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है इसमें जो है वो स्वीट डिशेस के लिए। और ये 2-in-1 है, मतलब जो इसका ऊपर बंद करने वाला ढक्कन है वो भी आप एज आ डिश इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, और ये है कि ये आप चाहें तो इसको इसके ऊपर बंद करके उस तरह से इस्तेमाल कर लें। नीचे वाला ढक्कन है और ये ऊपर वाली डिश है। ये देखें इसमें स्वीट डिशेस जो है वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं। मुझे बहुत शौक था मेरे पास भी ग्लास का इस तरह का एक जो है वो डिश एक इस तरह की हो, तो ये 2-in-1 है, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका ढक्कन भी जो है वो एज अ डिश इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम साइज़ में है और सेम इनकी मोटाई है और सेम इनकी लंबाई है, तो इसीलिए मैं इसको 2-in-1 बोल रही हूँ। ये गालिबन शबनम का है, ब्रांड का नाम है शायद। ये बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये मेरे कप सारे टूटे हुए थे, काफ़ी देर से मैंने शॉपिंग नहीं की थी तो ये मैं चीनी का सेट लेके आई हूँ कप का। ये 6 का सेट है और प्राइस इसकी भी मुझे याद नहीं है ये कितने का आया था। कोई शॉपिंग करके आए तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे ग्रॉसरी करना और मुझे किचन से रिलेटेड या वैसे ही शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कोई करे तो मैं उसकी वीडियो बड़े बड़े शौक से देखती हूँ, तो मुझे लगा शायद मैं भी बनाऊँगी तो लोगों को जो है वो अच्छी लग जाए, तो इसीलिए फिर मैंने। और ये मैंने चॉपर लिया है, ये चॉपर जो था ये लॉकडाउन से पहले मैंने 4-5 माह पहले पता किया था तो ये 4000 में भी मिल रहा था, और मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिया था तो उन्होंने 37 में लिया था शायद, 3700 में, और अब ये मिला है 10,500 का। और एक माह पहले मैंने इसकी प्राइस पूछी थी तो 9.5 थी तकरीबन। ये ड्यूलक्स का है ये फूड प्रोसेसर, ये मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। और दूसरी साइड पे ये मेरे पास जो थे ये देख लें आप, ये इसका जो है ढक्कन जो बना हुआ है ये ग्लास का है, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत डिसेंट सा सेट है ये। ये हॉट पॉट का 4 का सेट है, मुझे 3 का चाहिए था लेकिन इसके साथ कूलर जो था वो मिल रहा था, तो अगर मैं कूलर को जो है वो अंदर से रिमूव करती थी तो वो 1000 रुपीज़ जस्ट कम कर रहे थे। 6000 का ये मुझे पूरा सेट बना था,
तो फिर मैंने कूलर भी अंदर ही ले लिया कि अब अच्छा लग गया है तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा वो भी। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये अच्छे से पैक किया हुआ उन्होंने, पैकिंग खोलते हैं। ये मेरे पास पहले भी जो सेट था बहुत अच्छा था मेरी शादी का, लेकिन वो हुआ ये मेरे से कि मैं अक्सर जो है वो चूल्हा जो है वो गर्म होता है और उसके ऊपर चीज़ रख देती हूँ, तो मेरे दोनों हॉट पॉट जो हैं वो इसी तरह से ख़राब हुए थे। चूल्हे के ऊपर रख बैठती और बाद में वो साथ ही स्टिक कर जाते थे, प्लास्टिक पिघल के साथ लग जाती थी। तब मेरे पास सिर्फ एक पीस था तो इसीलिए फिर मैंने इसको परचेज किया। देखिए पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है, 6000 में ये बहुत खूबसूरत सेट है। ये देखिए ये कूलर है इसका और ये इसके हॉट पॉट है। शादी की शॉपिंग करें तो वो लोग दिखाते कुछ हैं और बाद में जब पैक खोल के हम घर आके देखते हैं तो वो कुछ और ही निकलता है। मेरे डिनर सेट के साथ भी यही हुआ था और मेरे हॉट पॉट के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने दिखाया कुछ था लेकिन घर आके जब खोला तो वो अंदर से कुछ और ही निकला था, बहुत ही प्लास्टिक हल्की थी। ये देखिए ये मेटल है, बहुत प्यारा हॉट पॉट बना हुआ है। अगर आपने परचेज़ करना, इसमें कलर भी बहुत खूबसूरत है, इसमें सिल्वर भी था, ये चीज़ सिल्वर भी थी मेटल में और ब्लैक भी था, मुझे ये अच्छा लगा कॉपर कलर तो मैंने ये वाला ले लिया। ये देखिए मैं इसे ओपन करके बंद करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेजेस्टिक का है, ये बहुत खूबसूरत सेट है ये 6000 में। कलर देखें इसका कितना डिसेंट, कितना खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा था पर मुझे कूलर नहीं साथ में लेना था, तो फिर मुझे चूँकि सेट बहुत अच्छा लगा था उसके साथ मुझे कूलर भी लेना पड़ा, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत प्यारा बना हुआ है, अगर किसी ने अपनी बेटी के जहेज के लिए लेना है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अच्छा ये ग्लास सेट देखें, इन सब की टेल जो है वो डिफरेंट कलर्स में आई है, देखिए कितने खूबसूरत है ये। इसमें अगर कलरफुल रेड या ग्रीन या किसी भी कलर का अंदर वो हम लोग शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक डालेंगे तो सोचें कितना खूबसूरत लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है ये। अच्छा मैंने सिर्फ एक ग्लास देख के लिया था, मुझे नहीं पता था इन सब की टेल के कलर्स जो हैं वो डिफरेंट है, मैंने भी अभी देखा है इसे। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा सेट है और ये 650 में आया है, 6 का सेट 650 में। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको अपना फूड प्रोसेसर जो है इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये है एनेक्स का है, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसकी पैकिंग देखें कितनी खूबसूरत है, इसमें जूसेस निकालने के लिए ये जो ऊपर इस्तेमाल होता है, और ये तीनों का जूस वगैरह निकालने के लिए रख के ये ऊपर जो है वो इस्तेमाल होता है। चॉपर है शायद इसका, चॉप करने के लिए। अच्छा इसको निकाल के नीचे से देखते हैं नीचे से क्या है। ये देखिए मेन चीज़
मैं निकाल के डिब्बे से बाहर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, वो नीचे चॉप करने के लिए, ये ऊपर शायद जो है वो कद्दूकश जिसे बोलते हैं से वो होता होगा, सैलेड वगैरह के लिए है ये। इसका ढक्कन ये घुमा के बंद करना पड़ता है, और ये इसका यहाँ से इसके फंक्शंस ऑन करते हैं, ऑफ ऑन है, पॉज है, ये सारा है। ये 10,500 का है फूड प्रोसेसर। और ये देखिए, ये दो नॉन स्टिक मेरे पास, एक ये चाय वाला है और एक ये छोटी सी जो है वो पतीली बनी हुई है। ये मेरा शादी वाला नॉन स्टिक जो है सेट है, और ये शायद डिब्बा गालिबर नेशनल के नाम से था, लेकिन इसके ऊपर जो है बर्तनों के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। अब 10 साल हो गए मुझे खुद ठीक से याद नहीं है, मे बी उन्होंने डिब्बा नेशनल का इस्तेमाल किया और अंदर बर्तन जो है वो लॉकर लगा दिए। और ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये मेरा सेट बहुत ही बेकार निकला था। एक तो इसकी जो है मोटाई बिल्कुल भी नहीं है, नॉन स्टिक नाम की तो इसमें कोई चीज़ ही नहीं, हर चीज़ इसकी पेंदे से स्टिक कर जाती है। और दूसरा, एक माह के अंदर इसका पॉलिश जो है वो इतना बेकार हो जाता है, सारा छिल जाता है। चाहे आप इसके लिए टिशू इस्तेमाल कर लें और चाहे आप इसके लिए कपड़ा इस्तेमाल करें, फिर भी इसकी जो पॉलिश है वो फूल के शायद उतर जाती है, बहुत ही बुरे। तो मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया था। तो मेरा ये आपको दिखाने और बताने का मकसद ये है कि अगर किसी ने अपनी बेटी के लिए लेना है तो कभी भी आप डिब्बा पैक सेट मत लीजिएगा। जो दिखाते हैं वो उसके अंदर से निकलता नहीं है, ये बहुत ही बेकार सेट था। आप लें तो सेपरेट लें, पतीला सेट अलहदा से ले लें, पैन अलहदा से ले लें, और देख के लें, उसकी मोटाई चेक करके लें कि मोटाई उसकी कितनी है। अब ये दिखने में नॉन स्टिक है लेकिन ये बिल्कुल भी नॉन स्टिक नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और इसके अंदर से जो तवा निकला था वो एक ही माह में दरमियान से नीचा होके वो टेढ़ा हो गया था, उसके ऊपर ऑयल या कोई भी चीज़ डालते थे तो वो टेढ़ा होने की वजह से वो नीचे चला जाता था, मतलब हम उस पर पराठा भी नहीं बना सकते थे। और उसकी भी पॉलिश फूल गई थी सारी, और फूलने के बाद जो है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता से उतरना शुरू हो गई थी। बहुत बेकार सेट है, आप इसको मत खरीदिएगा। अगर आपने ख़रीदना है तो या तो किसी अच्छे ब्रांड का ख़रीदिएगा, या फिर आप ये तीन पतीली जो है, पतीली सेट जो है ये सेपरेट ले लें, और उसके बाद जो उसका जो पैन सेट है वो सेपरेट ले लें। कभी भी डिब्बा पैक इस तरह से सेट मत ख़रीदिएगा। ये 7,000 ये समथिंग में तब आया था, अब मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, या मे बी मैं उसकी प्राइस गलत बता रही हूँ, मे बी इससे भी ये सस्ता हो। पर अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा लिया था, मगर ये बिल्कुल भी अच्छा सेट नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे जो है वो शॉपिंग बहुत पसंद है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की शॉपिंग बहुत अच्छी लगती होगी और शॉपिंग से रिलेटेड वीडियोस भी बहुत अच्छी लगती होंगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, मुझे इस शॉपिंग के साथ ये स्ट्रेनर फ्री मिला था। और ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब में सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे सबसे अच्छा हॉटपॉट सेट और ये ग्लासेस लगे हैं, ये जो कलरफुल हैं, बहुत खूबसूरत हैं।